हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री की सॉल्ट पे। एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो क्लास नहीं देखी है ज़रूर देख ले, भाई बड़े काम की है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो सॉल्ट। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सॉल्ट। और सबसे पहले जानेंगे भी सॉल्ट होता क्या है। तो बच्चों, सॉल्ट क्या है कि इट इज़ ए कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल। तो बच्चों, सॉल्ट क्या है, जब हमने किसी भी एसिड से, ठीक है, किसी भी एसिड में से जब हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट किसने की, एक मेटल ने, उस टाइम हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपको दूं तो जैसे सोडियम मेटल है, इसके साथ जब 2HCl रिएक्शन करेगा या HCl रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा NaCl प्लस में H। ठीक है, अब ये तो रिएक्शन आप इसको बैलेंस कर लेना भाई 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये लो H2 गैस निकल जाएगी यहाँ से, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है बच्चों। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो सॉल्ट है उनको हम फॉर्म कर सकते हैं कैसे, एसिड्स की रिएक्शन करवा के बेस के साथ। एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा के, बेस के साथ। तो ये कैसे होगा बच्चों, जैसे मैं बात करूं एसिड की, तो एसिड क्या होता है हमारे पास, तो बच्चों एसिड के बारे में छोटा सा बता दो थोड़ा सा कि एसिड कौन सा होता है। तो यहां आप कहोगे कि जो HCl है वो एसिड है, ठीक है, और सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन करवाएंगे ना बच्चों, तो यहां से मिलेगा NaCl प्लस H2O सॉल्ट प्लस वॉटर। तो ये था एसिड, ये था बेस, रिएक्शन करवाई तो नमक मिला, सॉल्ट मिला और पानी मिला भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो सॉल्ट है उसके अलग अलग नेम क्या है भाई, तो सॉल्ट है ना उनके अलग अलग नेम है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं, ठीक है, तो उनसे हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो कौन से होंगे, क्लोराइड्स होंगे। और जो सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा वो सल्फेट्स होंगे, और जो सॉल्ट हमें नाइट्रिक एसिड से मिलेगा उनको हम नाइट्रेट्स कहेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर, जो हमें कार्बोनिक एसिड से जो सॉल्ट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो बच्चों उसको कहेंगे कार्बोनेट्स। क्या कहेंगे, कार्बोनेट्स। और जो हमें सॉल्ट मिलेगा एसिटिक एसिड से उसको हम कौन सा सॉल्ट कहेंगे, तो बच्चों उनको कहेंगे एसीटेट्स। क्या कहेंगे, एसीटेट्स। अब आइए नेक्स्ट पे भाई, जो सॉल्ट है सॉल्ट की क्या पहचान है। ठीक है, तो बच्चों क्या सॉल्ट है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है ना बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और सॉल्ट कैसे कंपाउंड है, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयंस बनते हैं इसमें। कैसे कैसे आयंस बनते हैं बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनते हैं जिनको कैटायन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस भी इनमें होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। जैसे NaCl है भाई, ठीक है, इससे हमें सोडियम यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिलेगा, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों मिलेंगे, पॉजिटिव आयन्स को हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। यानी याद रखने का तरीका है PC, यानी पॉजिटिव कैटायन हो गए, ठीक है, नेगेटिव एनायन हो गए, नेगेटिव ना हो गया भाई, ठीक है, नेगेटिव एनायन हो गए, याद रखने का तरीका ये है। नेक्स्ट है बच्चों, फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या कहलाती हैं भाई, फैमिली ऑफ सॉल्ट किसको बोलेंगे हम, तो बच्चों फैमिली ऑफ सॉल्ट वो होगी जिसमें सेम पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रही है, या उनमें क्या होंगे, सेम नेगेटिव आयंस होंगे। जैसे NaCl है भाई, ठीक है, NaCl और Na2SO4 है, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। जैसे KCl की बात कर रहे हैं तो K पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, Cl दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे फैमिली ऑफ सॉल्ट कहलाएंगे। अब बच्चों, फैमिली ऑफ सॉल्ट में कौन कौन से सॉल्ट आते हैं, किस किस तरह के सॉल्ट आते हैं, तो आप कहोगे सोडियम सॉल्ट आते हैं जी, एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं, कॉपर सॉल्ट भी होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट भी, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, अमोनियम एंड क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट एंड एसिटिक सॉल्ट। इतनी तरह के सॉल्ट होते हैं बच्चों, ठीक है।
अब आइए भाई, इनके कुछ बेसिक जो सॉल्ट्स है वो और उनके फॉर्मूलाज हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इनके फॉर्मूलाज को करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है पोटेशियम सल्फेट का। किसका है? पोटेशियम सल्फेट का। किससे लिखेंगे बच्चों इसको? K2SO4 से। और बेस क्या होगा इसमें? KOH बेस होगा, H2SO4 क्या होगा? एसिड होगा। इसी तरह से हमारा सोडियम सल्फेट है बच्चों। क्या है? सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4, और ये सल्फेट फैमिली से क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है? NaOH बेस होगा, H2SO4 क्या होगा? एसिड। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट है बच्चों, CaSO4, CaOH ट्वाइस क्या हो जाएगा? बेस, और H2SO4 क्या हो जाएगा? एसिड। सेम है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। तो मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। और जो कॉपर सल्फेट है बच्चों, CuSO4, उसमें CuOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में H2SO4 होता है, ठीक है। और जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl फॉर्मूला होगा, और NaOH बेस होगा, और HCl इसमें क्या होगा? एसिड होगा। इसी तरह से सोडियम क्या है? नाइट्रेट है बच्चों, NaNO3 इसका फॉर्मूला होगा, और NaOH इसमें बेस होगा, और HNO3 इसमें क्या होगा? एसिड होगा। और HNO3 को कौन सा एसिड कहते हैं बच्चों? एक बार लाइव चैट में लिखना भाई, जिन बच्चों ने एसिड वाली क्लास लगाई है उनको पता होगा, 100% पता होगा। तो बच्चों इनको कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों आपका सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? NaOH और H2CO3 के साथ। और ये H2CO3 कौन सा एसिड होता है प्यारे प्यारे बच्चों? लाइव चैट में लिखना एक बार। तो मेरे साथियों, जो H2CO3 एसिड होता है ना, उसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NH4Cl। और इसके ये कैसे बनता है? जब NH4OH यानी ये हमारा बेस है, रिएक्शन करेगा HCl के साथ, तब हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद कुछ खास बातें हैं बच्चों कि जो सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट क्या है? स्ट्रोंग एसिड होंगे और स्ट्रोंग बेस होंगे। जब किसी हम स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस को मिलाएंगे तो वो हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन देंगे सॉल्ट का, ठीक है। अगर हम स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे तो वो हमें एसिडिक सॉल्यूशन देंगे। कौन सा सॉल्यूशन देंगे? एसिडिक। अगर हम वीक एसिड को और स्ट्रोंग बेस को मिलाएंगे तो वो हमें कौन सा सॉल्यूशन देंगे? बेसिक सॉल्यूशन देंगे, यानी जो स्ट्रोंग होगा वैसा ही सॉल्यूशन देंगे। इसमें देखो, स्ट्रोंग एसिड था तो एसिडिक सॉल्यूशन मिला, इसमें स्ट्रोंग बेस था तो बेसिक सॉल्यूशन मिला। और बेसिक सॉल्यूशन को एल्केलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? एल्केलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। और यहां देखो बच्चों, दोनों स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस थे, दोनों स्ट्रोंग थे, तो सॉल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि वो सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा होगा जिसमें वीक ही एसिड होगा और वीक ही बेस होगा? तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो बच्चों इसका आंसर, उम्मीद है आपको आता होगा। तो बच्चों वो सॉल्यूशन भी क्या रहेगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? न्यूट्रल। अब आइए कॉमन सॉल्ट के बारे में जानते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है? तो बच्चों कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम होगा, फॉर्मूला होगा NaCl। इसका कलर पूछ ले भाई, कलर कैसा होता है कॉमन सॉल्ट का? तो आप कहोगे कि व्हाइट होता है, ठीक है। और ये कौन सा होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ना एसिडिक होता ना बेसिक होता है, ये कौन सा होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। और जो सोडियम क्लोराइड है बच्चों, वो नेचर में काफी सारे अमाउंट में क्या है? प्रेजेंट है। काफी सारे अमाउंट में क्या है? प्रेजेंट है। और ये बनता किससे है? NaOH की रिएक्शन HCl के साथ होती है, तो NaCl हो रहा है, वॉटर बनता है साथियों। अब क्या है कि कॉमन सॉल्ट को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों जो कॉमन सॉल्ट है वो दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, नेचुरल तरीके हैं दोनों। एक तो सी वाटर से, ठीक है, समुद्री पानी से, और एक रॉक सॉल्ट यानी जो चट्टानों से प्राप्त हो सकता है भाई, ठीक है। माइंस के रूप में होता है, जैसे कोयला मिलता है, इस तरह से रॉक सॉल्ट मिलता है पत्थर की फॉर्म में, जो आपके गांव में रेडी वाले बेचने आते हैं, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं बच्चों,
ठीक है, अब देखिए, इट अकर्स इन डिजॉल्व फॉर्म इन सी वॉटर। ये समुद्र में तो क्या है, घुले हुए फॉर्म में होता है, और रॉक सॉल्ट किसकी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। अब पूछ ले भाई, रॉक सॉल्ट किस फॉर्म में मिलता है, तो आप क्या कहोगे, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट, कि कॉमन सॉल्ट सी वॉटर से हमें कैसे मिलता है। तो बच्चों, सी वाटर कंटेन करता है काफी सारे डिजोल्ड, अपने में घुलाए रखता है, बट इसमें जो मेजर अमाउंट होता है वो किसका होता है, कॉमन सोल्ट का होता है, यानी सोडियम क्लोराइड का होता है। तो इसमें इसको यूज किया जाता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है बच्चों प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से, यानी जहां पे समुद्र का पानी होगा वहां पे गड्ढे खोद दिए जाएंगे, ठीक है, और उन गड्ढों में समुद्र का पानी आएगा, तो वहां से वो पानी सनलाइट से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे क्या है, नमक बच जाएगा बच्चों। तो उस नमक को हम क्या कहेंगे, कॉमन सॉल्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है बच्चों, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, यानी रॉक सॉल्ट की बात करेंगे। तो द लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है बच्चों, ब्राउन कलर होता है रॉक सॉल्ट का। ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें काफी सारी इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, ये प्योर नहीं होता है, इसमें काफी सारी इंप्योरिटीज पाई जाती है। और बच्चों, जो रॉक सॉल्ट है ना, ठीक है, इसको कहां से माइंड किया जाता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जस्ट लाइक अ कोल, कोयले की खदानें होती है ना, उसी तरह से रॉक सॉल्ट की खदानें भी होती है बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए भाई नेक्स्ट पे, कि कॉमन सॉल्ट है तो उसके यूजेस क्या क्या है, कहां कहां इसको प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये क्या है, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, यानी कच्चे पदार्थ की तरह यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहेगा NaOH। पूछा जा सकता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, यानी जो हम यूज करते हैं घर में, कॉमन नेम क्या है उसका, कास्टिक सोडा है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट का जो नेम है वो क्या है, वाशिंग सोडा है, क्या है, वॉशिंग सोडा, Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये कौन सा सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। कौन सा सोडा होता है बच्चों, बेकिंग। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम मेटल, ये सारे के सारे जो चीजें बनाने में किसका यूज होता है बच्चों, कॉमन सोल्ट का। नेक्स्ट है बच्चों, कि जो कॉमन सोल्ट है उसको भोजन बनाने में, यानी फूड को पकाने में भी यूज किया जाता है, और जो हम खाना खाते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इम्प्रूव किया जाता है। कई बार नमक कम होता है तो आप क्या कहते हो, कि आज तो सब्जी में बिना नमक के टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो उस टाइम आप नमक का यूज करते हो, सोल्ट का यूज करते हो बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ जो सोडियम क्लोराइड है, इसकी जरूरत होती है हमारी बॉडी को भाई, किसके लिए, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी वर्किंग के लिए, और हमारी मसल्स की जो मूवमेंट है उसके लिए, और हमारे जो स्टमक में HCl होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बच्चों। और जो NaCl है इसका यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, पिकल्स में, यानी अचार को खराब होने से बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है बच्चों। और इसके साथ साथ इसका यूज किया जाता है साबुन बनाने में, और सर्दियों में जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब इधर बर्फबारी होती है, ठीक है, तो जो रोड जाम होते हैं, बर्फ जम जाती है, उनको मेल्ट करने के लिए भी इस सॉल्ट का यूज किया जाता है। और ठंडे देशों में जहां बर्फ पड़ती है वहां भी इसका यूज किया जाता है, ताकि उस बर्फ को पिघलाया जा सके और जो आवागमन है वो जारी रहे। तो मेरे साथियों, आज हमने आपको छोटी सी केमिस्ट्री क्लास प्रोवाइड की है, ठीक है, बुरा मत मानना यार, थोड़ी तबीयत डाउन थी उस करके, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस घंटे के बटन को भी दबा देना, और यहाँ से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और शाम को 8 बजे बच्चों बायोलॉजी का जो प्रैक्टिस सेट है वो होगा, वो आप जरूर अटेंड करना, क्योंकि प्रैक्टिस है वही एक स्टूडेंट को परफेक्ट बनाती है, ठीक है, उसी से बार बार प्रैक्टिस से ही आप लोगों को क्या है, आपकी नॉलेज अच्छे से बढ़ जाएगी बच्चों, दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे साथियों, इसके बाद जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बार बार बोलते हैं कि ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो, तो इसका क्या फायदा है भी, एक तो जैसे ही एग्जाम डेट आएगी काफी सारे क्विजेस होंगे, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं,
प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल रहे हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के मिल रहे हैं बच्चों, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट कम से कम 100-120 क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों, मिनिमम 100 क्वेश्चंस तो है ही है, ठीक है। और डेली का जो क्लास टाइम है वो भी अपडेट हो जाता है, VLDA के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है, डाउट सेशंस भी होते हैं बच्चों, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं बच्चों। तो ये फायदे हैं बच्चों, अब ज्वाइन करना ना करना आपकी मर्जी है साथियों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।